हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन डायरी। में आज हम आपके लिए लेके आए हैं त्यौहार में बनने वाले फटाफट छोले भटूरे की रेसिपी। तो इस त्यौहार में अगर कुछ भी आपको समझ में ना आए कि क्या बनाए, तो 5 मिनट में बनाए शॉर्टकट में छोले भटूरे की रेसिपी। तो पूरी रेसिपी देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे रात में मैंने छोले भिगो दिए थे और सुबह मैंने इसको 4 से 5 सीटी लगा दी है, और इसमें मैंने सोडा और नमक डाला था। तो ये देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं, और अब हम इसको बस फटाफट बनाना है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, और अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज चॉपर में चॉप करके इसमें ऐड कर दी है, और अब हम इसको अच्छे से कलर आने तक फ्राई में भूनेंगे। तो ये देखिए एक बढ़िया सा कलर आ गया। तो इसे हमें बहुत डार्क कलर में नहीं करना है, तो बस इतना गोल्डन, लाइट गोल्डन ब्राउन जब आ जाए प्याज का कलर, तो बस उतना ही रखना है हमें। और अब हम यहीं पे डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसको आप ज़रूर डालिएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप नहीं डालना चाहते, ये आपकी इच्छा है, तो बस आप इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये देखिए मैंने इसको भून लिया है, और अब हम यहीं पे डालेंगे 2 टमाटर। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से भून लिया, अब हम टमाटर डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को भी चॉपर में चॉप कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे ताकि टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए। टमाटर गलना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो सब्ज़ी बिल्कुल पानी जैसी लगती है, उसका टेस्ट बिल्कुल पानी पानी टाइप का लगता है, इसलिए टमाटर को गलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये देखिए हम टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे, और नमक डालने से बहुत जल्दी भुन जाता है। तो ये देखिए टमाटर हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, और अब हम यहाँ पे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली है जिससे अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसमें मैंने 1/2 चम्मच गरम मसाला डाला है, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। अब मैंने 1/2 चम्मच के यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है, और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। और अब हम यहाँ पे छोले मसाले डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने छोले मसाले डाल दिए हैं, और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से अपना टेस्ट छोड़ दें। बस थोड़ी देर में मसाले भी अच्छे से भून जा रहे हैं, और अब हम जो हमने छोले उबाल के रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो उसका पानी हमें नहीं हटाना है, पानी सहित हमें छोला इसमें डाल देना है। और अब हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे। तो अगर आपको इतनी ग्रेवी चाहिए तो ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर जब पकेगा ना तो ग्रेवी इसकी गाढ़ी होगी। और अगर आपको ग्रेवी और चाहिए तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। तो मुझे बस इतनी ही ग्रेवी चाहिए, और इसको हम थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देंगे ताकि जब छोला जो है थोड़ा सा खट्टा अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया है। और बस हम देखिए, और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। और अब हम इसको ढक देंगे। तो यहाँ से देखिए 10 मिनट तक पकने के बाद हमारा छोला बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए गाढ़ा भी हो गया है, और अभी जब ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा। तो बस छोला रेडी है, अब हम भटूरा बनाते हैं। तो भटूरा मैंने आटा पहले से तैयार कर लिया था, बस हमें फ्राई करना है। तो ये देखिए कढ़ाई में मैंने भटूरा डाल दिया है, और देख रहे हैं कितने गोल गोल भटूरे बिल्कुल फूल रहे हैं डिब्बे जैसे। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा भटूरा मेरा तैयार हुआ है। तो जब भटूरा फ्राई करिए तो फ्लेम तेज़ होनी चाहिए, और ये देखिए फटाफट हमारे भटूरे भी तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह हम अपने सारे भटूरे फ्राई कर लेंगे, और बस इस त्यौहार में फटाफट बनाएं और फटाफट सर्व करें।
क्योंकि छोला भटूरा तो सभी को पसंद आता है, और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो बस आप ये फटाफट बना के सर्व कर लीजिए। तो ये देखिए हमारे छोले भटूरे रेडी हैं, आइए आप भी इंजॉय करिए, और पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने हरी मिर्ची भी फ्राई करके इसमें रख दी है, तो ये छोले भटूरे के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप इसमें प्याज और थोड़ा सा अचार वगैरह सर्व कर दीजिए। तो ये देखिए, तो इसी तरह की बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।